सबको जय एमसी की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सकें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुँचा उन तक भी वचन पहुँच सके। सबको जय एमसी की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जेम्स की यर्मिया 33:3 में लिखा, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन के तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें समझाऊंगा जो तू अब नहीं समझता। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी। पतरस और यहूना लंगड़ा चलाने के लिए नहीं जा रहे थे, कहां जा रहे थे? प्रार्थना करने के लिए। चलो प्रेयर करके आते हैं। आज अगर प्रेयर करनी हो, इधर बच्चे खेल रहे होते हैं और मम्मी प्रेयर में बैठी होती, इधर फोन साइड पे पड़ा है, टिंग 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 टिंग, प्रेयर छोड़ के फोन, हेलो, ये कौन सी प्रेयर है? इधर व्हाट्सएप खुला है, इधर यूट्यूब खुला है, इधर फेसबुक खुली, इधर फोन बज रहा है, इधर बच्चे के साथ बात हो रही, इधर कुकर की दाल रखी हुई है प्रेयर करने के दौरान, कि जब 10 सीटियां बज जाएंगी तो मैं कुकर से दाल हटा लूंगी। आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी के साथ ड्रामा कर रहे हो, जो आप नाटकों में देखते हो ना, ड्रामे। हमारे टीवी चैनल को चेंज करने में कहीं गलती से भी नाटक लग जाए ना एक सेकंड के लिए भी, तो मैं अपनी वाइफ को बता दूंगा, अगर ये ड्रामा लोग देख ले, इसीलिए लोगों की लाइव ड्रामा बन के रह गई। जो नाटकों में होते हैं उनके घरों में भी ऐसा ही होता है, पूरा ड्रामा चल रहा होता है, ननान में, परजाई, जठानी, दरानी, पूरा ड्रामा। क्यों? सारा दिन देखने ड्रामा तो ड्रामे ही होने घर, अगले पैसे लेंदे 2-2 लाख रुपया एक दिन का ड्रामा करन दा। तुई वेले बह के ड्रामा देख के लाइव ड्रामा बना ली, लाइफ चेंज नहीं की प्रेयर च। हालेलुया। वेले बैठ के ड्रामा कर ली, लाइफ लाइफ भी ड्रामा कर ली पूरा। मुझे सस वधिया गल भी करेगी, क्योंकि तो नाटक जो देख लिया ससा वधिया नहीं, तो सस की वधिया गल भी माड़ी लगनी। क्यों? जो देखोगे तुम, जो छपा लोगे अंदर। इसलिए परमेश्वर ने कहा, सच्चाई से अपनी कमर कस, अगर तू दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाना चाहता है। और आप जानते हैं बाइबल कहती है सच्चाई परमेश्वर का वचन है, कमर आपकी बुद्धि है। कहता अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से कस ले, ताकि शैतान जब अटैक करने के लिए आए वो ना कर सके, तू उसके तीरों को बुझा सके। फालतू चीजें देखोगे, फालतू चीजें लाइफ में होंगी। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी, मैं पूछ रहा हूं आपसे। यीशु मसीह ने 12 चेले चुनने थे, क्या की सारी रात? हाँ, क्या की सारी रात? 12 चेले चुनने से पहले क्या की? प्रार्थना की। यीशु मसीह मालिक होके दुनिया का, 12 चेले चुनने से पहले प्रार्थना कर रहे। उसने हीलिंग करने से पहले क्या की सारी रात? प्रार्थना की। हीलिंग करने के बाद क्या किया सारी रात? फिर प्रार्थना की, पिता से बात की। एक अच्छा क्रिश्चियन प्रार्थना से शुरुआत करता है अपने दिन की, और प्रार्थना से खत्म करता है अपने दिन को। उसके लिए प्रेयर सब कुछ है। वो सुबह भी प्रेयर के साथ उठेगा और रात को सोएगा भी प्रेयर के साथ। हालेलुया। तभी तो आपको विजन आते हैं, तभी आते हैं विजन। आप टीवी देख के बैठोगे वैसे विजन आएंगे आपको, आप प्रार्थना करके सोएंगे आपको वैसे ही विजन आएंगे। मैं बहुत कम सपने देखता हूं, बहुत कम। विश्वासियों की तरह मुझे हर रोज नया सपना नहीं आता, पर जब आते हैं तो वो पक्का आता है। आमीन। वो क्लियर आता है फिर कि क्या होने वाला है। सुलेमान को सपना आता है कि परमेश्वर कह रहा है मैं बुद्धि दे रहा हूं, मेरे को सपना आता है एक दिन और मैं अपने पेट को, अपने पालतू जानवर को देखता हूं बड़ा हुआ, और अगले दिन वो घूम जाता है। उसी दिन, अगले दिन नहीं, अगर 12-1 बजे सपना आया तो उसी दिन वो घूम जाता है। और मैं सोच रहा हूं मुझे सपना क्यों आया और वो घुमा क्यों, और मैं ऊपर जाता हूं और हाथ करता हूं उस दिशा में जहां वो घुमा, कि परमेश्वर उसका माइंड घुमा और वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता हो। और मेरा एक दूर रहने वाला पड़ोसी सुबह उठ के 6 बजे ये सोच रहा है आज मैंने सैर करने जाना है, लाइफ में कभी सैर करने नहीं गया। और सुबह उठ के सैर करने जा रहा है, और जानवर जो भागते हैं आपको देख के,
उसके साइकिल के पास आके बोलता है म्याऊ मुझे घर ले जा भाई, दूत ने दिमाग पकड़ा हुआ मेरा। प्रार्थना करने के दौरान मैं लोगों को बताता हूं कि आप लोग जिस टाइम सोते हो उस टाइम मैं जागता हूं, आप 8 बजे उठते हो मैं 8 बजे के बाद सोता हूं, आप रात को 10 बजे सोते हो उस टाइम प्रेयर शुरू होती है 10 से सुबह 8 बजे तक। और ये आज नहीं, ऐसा सालों से ऐसा, लोग ऐसे पुलपट पे बैठे, उन्हें मालूम था जैसे ही मैंने प्रार्थना के कमरे में आना इशारे शुरू हो जाने कि मैं चलना काका, ये हूं 8 घंटे काम बुक है, मैं निकलने लगा तू संभाल ली। हां, और 8 घंटे प्रेयर, कोई विषय नहीं प्रेयर का, कोई किडनी नहीं, कोई कोई लीवर नहीं, कोई विषय नहीं, बस बैठे हैं 8 घंटे क्या कर रहे हैं, वर्शिप प्रेयर वर्शिप प्रेयर। कैसे नहीं मसले हल होंगे, कैसे नहीं होंगे, कहां जाएंगे वो, कहां जाएंगे, पर प्रेयर की नहीं, आधे घंटे की प्रेयर है। आजकल जब हम प्रार्थना में बढ़ रहे हैं तो मैं और हम मेरी वाइफ जब हम बहुत कम बात करते हैं सपनों के बारे में, आज तक कभी नहीं की। और हम मैं ऊपर से प्रेयर करके आया और हम कई बार दोपहर को हमने आधा घंटा सोना है या लेटना है ताकि जो प्रेयर हमने की है कि परमेश्वर हमसे बात कर सके। और हम दोनों सोए और दोनों को सपना आता है, मेरे को अलग इसको अलग। और ये कभी नहीं ऐसा हुआ कि जब ये उठे मैं उससे पूछूं मुझे सपना आया, तेरे को सपना आया, कभी नहीं हुआ ऐसे आज तक मैरिज में। कल मैंने कहा तेरे को सपना आया, कहती आया, मैं क्या देखा सपने में, कहती मेरे पास से एक पास्टर बैठा था व्हाइट कपड़े डाल के और उसने मुझसे पूछा कि कैसे हो तुम, अब वचन प्रचार करते हो तुम, तो उसने कहा हाँ अब मैं वचन प्रचार करती हूँ। सुनो, उसके 2 घंटे बाद एक पास्टर हमारे घर में आते हैं, उनकी चर्च को मैं हेल्प कर रहा था इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था, व्हाइट कपड़े डाल के आए और मेरी वाइफ से पता क्या पूछा, कहते कैसे हो वचन प्रचार करते हो। और हम शॉक्ड, हम दोनों शॉक्ड, हम दोनों सरप्राइज, क्योंकि 15 मिनट पहले हम अपने बेडरूम से कह के उठे। हालेलुया। और मैंने उसको बताया कि जो वचन का मसा तू मांग रही है वो खुदा ने दे दिया तेरे को कल, ये सपने का मतलब ये था। हालेलुया। ऐसे ही मुझे हीलिंग मिली है, ऐसे ही मुझे प्रीचिंग मिली है, ऐसे ही मिला मुझे सपने में, 90% चीजें मुझे ड्रीम्स में मिली मेरी लाइफ में। पर आज सपना आएगा कैसे, आज पूर्णिया जो है बूढ़ा जो है आत्मा में वो सपना देखेगा कैसे, क्योंकि सारा दिन तो पबजी चल रही है, सारा दिन तो व्हाट्सएप चल रहे हैं, सारा दिन तो मैच चल रहे हैं, तो कैसे देखोगे, तो कैसे सपना देखोगे, कैसे ड्रीम देखोगे, कैसे विजन देखोगे, आएंगे ही नहीं आपको, क्योंकि आप अपनी स्पिरिट को रेडी नहीं कर रहे हो कि खुदावंद आपको सुपर नेचुरल वे के साथ छुए और वो आपके ड्रीम्स में आए, या आपसे सुपर नेचुरल तरीके के साथ बात करे या आपको छुड़ाए। आप उसको मौका नहीं देते हो, आपकी प्रेयर लाइफ इतनी कमजोर है कि स्वर्गदूत आपकी लाइफ में एंटर नहीं कर सकते। आपके 2 घंटे भी प्रेयर नहीं, सोचो कैसे विश्वासी हो आप। यीशु मसीह ने कहा लंगड़े चलाने की सामर्थ 12 चेलों को देने के बाद, ओके, मुर्दे जिलाने की सामर्थ देने के बाद, सब कुछ देख लिया, दिखा दिया, पावर देख ली, कहते कितने लोग थे, अच्छा बताओ जो जब यीशु मसीह स्वर्ग पे गए कितने लोगों ने देखा था, कितने, 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को स्वर्ग बजाते देखा था, 500 से अधिक चेले थे जिन्होंने यीशु मसीह को जीवित स्वर्ग बजाते देखा। यीशु मसीह ने एक ही बात बोली, यीशु मसीह कहते मेरे भाइयों मेरे बेटो तुम यरूशलम को मत छोड़ना, मेरी प्रतिज्ञा की बाट जोना कि खुदावन का आत्मा स्वर्ग से उतरेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तब तुम गवाह ठहरोगे। हालेलुया। सुनो ध्यान से, कितने लोगों को बोला था, 500 से अधिक, 500 लगा लो। जब 500 से अधिक लोगों को बोला, आप जानते खुदा ने क्या कहा कि बाट जोने का मतलब क्या था, कोई रस्सा निकाल के बैल की तरह जोना था, खेत वाणे से उन्होंने किसी का बाट जोना। यीशु मसीह ने क्या सीखा, मेरा इंतजार करियो, कितना इंतजार करो, कड़ियां लेके कि मैं करूंगा इंतजार,
प्रेयर में मेरी बाट जोना, प्रार्थना में मेरी बाट जोना, मैं अपना वायदा पूरा करूंगा और सत्य का आत्मा दूंगा जो मेरी तरह तुम्हारी अगुवाई करेगा। सुनो ध्यान से, 500 लोगों को बोला, कितने रह गए? 120। कहां गए 380? सबको जल्दी थी, हाँ, कोई टाइम नहीं देना चाहता प्रेयर में। सबको सबको, किसी का पति बुला रहा था, किसी की पत्नी बुला रही थी, किसी का बिजनेस बुला रहा था, किसी की मम्मी बुला रही थी, किसी का रिश्तेदार उसको गालियां दे रहा था, हाँ, ये कहां रह गया तू? ये कौन सी प्रेयर है? दिन रात प्रेयर, रबनु मन्ना ठीक है, एक घड़ी प्रेयर देने शुरू, रात ही खत्म, डफर, चलो वापिस। और कितने रह गए? 120। 380 खिसक गए। आज भी प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे ना तो 380 खिसक जाते हैं, 120 रह जाते हैं। अगर आज भी प्रेयर करने के लिए बुलाता हूं ना रोज में, कि रोज हम प्रेयर करेंगे 9 से 5, तो अगर हाथ खड़े कराऊं 10% लोग नहीं आए होंगे चर्च में प्रेयर करने के लिए। अगर कल बोल दूं ना, अच्छा ले हैंड करूंगा, ऑयल से हीलिंग होगी, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। कल बोलूंगा अच्छा प्रेयर करनी है 6-8 घंटे, कोई नहीं। कितने लोग आए जी? 500। कितने लोग आए चर्च में से? 1 लाख में से। आज कितने आए? 350। आज कितने आए? 850। चर्च कितनी है? 1.5 लाख। और छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तभी भी प्रेयर लाइफ कमजोर है। भाई तुम जब काम करोगे तो क्या करोगे? छुट्टियों में कमजोर हो तुम, और बोलते हो मसले नहीं हल होते, बोलते हो फलाना चेंज नहीं होता, हमारा ढमकाना चेंज नहीं होता। आप प्रेयर लाइन में घुसो, अभी ले हैंड करो, मेरा पति नहीं बदलता। प्रेयर कितनी है तुम्हारी? 1/2 घंटा। तो बदलेगा भी नहीं, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। तू खुद तो बचा नहीं, तेरी 1/2 घंटे की प्रेयर है, तू खुद तो पाप पे फतह पाई नहीं, तो पति पे कैसे फतह पाएगी तू? पत्नी में कैसे फतह पाएगा तू? आपके आसपास का माहौल वैसा ही रहता है जैसा आप खुदा के साथ बना के रखते हो। जैसे आप खुदा के साथ होते हो वैसे ही आपका आसपास का माहौल होता है। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी सेवकाई चलाना? अभी गुरदासपुर में 10,000-12,000 सिर्फ टेंट के बाहर बैठे हैं, हजारों लोग चर्च के अंदर बैठे हैं। आपको क्या लगता है आसान है? आसान है अगर खुदा आपके साथ है और आपने इनफ टाइम, बहुत सा टाइम खुदा के साथ बिताया है, तो स्मूथ चलता है सब कुछ, अच्छा चलता है। मेरी पावर से नहीं, प्रीचिंग से नहीं, खुदा की हुजूरी से। हालेलुया। कितनी प्रेयर है आपकी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। चेले टाइम रखते थे, अच्छा क्या करना है? प्रार्थना के एक टाइम, मजा आता, पढ़ के बाइबल मजा, पढ़ के ही मजा आ जाता। प्रेयर का इतना बड़ा महत्व कि प्रेयर करनी, अच्छा कहां है खंबरा, कहां करेंगे प्रेयर जाके? लांबड़ा में। दूर क्यों? घर पे नहीं करनी प्रेयर? अरे आप तो घर में ही कर लो, बड़ी बात है। इतना बड़ा स्थान था। पतरस और यहूना जब लिखा चर्च में आ रहे थे तो उनके अपने घर भी थे जहां वो प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन प्रार्थना का इतना बड़ा स्थान था उनकी लाइफ में कि स्पेशल प्रेयर करने के लिए चर्च जा रहे हैं। स्पेशल, आप खुदा को मिलने के लिए स्पेशल टाइम निकालो और खुदा आपसे मिले ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको महसूस हो ना हो लेकिन वो आपसे मिलेगा अपने टाइम पे। His time is beautiful, उसका टाइम सुंदर है जिस टाइम पे वो आता है। पर क्या आपने बाट जो ही? 500 लोगों को बोला अच्छा वेट करना, प्रेयर में रहना, खुदा के उस प्रतिज्ञा की बाट जो ना जो मैंने तुमसे कही है, आत्मा उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। 500 से अधिक लोगों को बोला, 380 चले गए। अगर 550 को बोला तो 430 चले गए। कितने रह गए? 120 जो वेट कर रहे हैं और उनपे आत्मा उतरा। कितने लोग हैं आप में जो वेट करते हैं? अभी बेबी नहीं हुआ तभी वेट करते हैं, अभी ब्लेसिंग नहीं आई तभी वेट करते हैं प्रेयर में। उनके लाइफ में प्रेयर का एक स्थान है। हालेलुया। आज प्रेयर इतनी कमजोर हो गई और टेक्नोलॉजी ने इतनी खराब कर दी कि प्रार्थना करने का महत्व फिनिश कर दिया लोगों की लाइफ से। फोन्स ने प्रार्थना 90% खत्म कर दी। अरे प्रार्थना के टाइम आपको मसीह गीत भी नहीं सुनना चाहिए जब प्रार्थना कर रहे हो, बंद कर दो उसको। वर्शिप करने के दौरान सॉन्ग लगाओ, वर्शिप खत्म हो गई बंद कर दो सब कुछ, फिनिश कर दो, फोन स्विच ऑफ कर दो अपना और बैठो प्रेयर में। हालेलुया।
मेरी लाइफ के बड़े मसलों से पहले खुदा ने 8-8 घंटे बिठाया मेरे को एक दिन, सिर्फ एक टाइम पे, बाकी टाइम सुबह का अलग रात का अलग। 8-8 घंटे बैठे हैं तो बैठे हैं प्रेयर में, कंटिन्यूस बैठे हैं, बस बैठे हैं। कभी एक सॉन्ग वर्शिप चल रही, कभी हाथ से, कभी मुंह से वर्शिप चल रही, कभी मोबाइल से वर्शिप चल रही, और कभी फिर प्रेयर चल रही, और बैठे हैं उसकी हुजूरी में बिना विषय की प्रार्थना के, बिना विषा। जब एस्तर ने विषा रख के प्रार्थना की थी कि राजे का मन बदले, तो वो इमरजेंसी रखा हुआ विषा नहीं था। बाइबल बताती है उसको प्रार्थना करनी आती थी, रोज रोजे रखने आते थे। जब आप रोज बिना विषा के, बिना विषय के, बिना किसी मकसद के आप प्रेयर करेंगे और फास्टिंग करेंगे, जब आपकी लाइफ में मकसद एंटर करेगा तो खुदावंद उस मकसद को पूरा भी करेगा। जब कोई इमरजेंसी आपको होगी तो वो सुनेगा भी, क्योंकि आप रोज उसके सामने जाने वाले। पर अगर इमरजेंसी के टाइम ही खुदा के सामने जाओगे तो इमरजेंसी में कई बार डॉक्टर्स मिलते नहीं आप, लेकिन अगर उस डॉक्टर के पास रोज आना जाना हो तो उसका नंबर मालूम होता है कि कहां हो जी, आ रहा हूं, वेट करो। हालेलुया। बताओ क्या प्रेयर है आपकी, बताओ, चलो खड़ा करो हाथ जो एक घंटा प्रेयर करते कम से कम। ये हाल देखो, देखो हाल, शर्म आनी चाहिए। दो घंटे कौन करता है, हाथ खड़ा करो। 2.5 घंटे कौन करता है, हाथ खड़ा करो। 5 घंटे कौन करता है, ये देखो, 2 लोग 4 लोग हाथ खड़े हैं, 6, 10, 15, 20, 100 हो जाएंगे। कैसे कलीसिया फलवंत होगी, कैसे आप विक्ट्री लोगे, कैसे खुदा बात करेगा, कैसे वो आपको छुड़ाएगा? अरे आप खुद एक रुकावट हो अपनी ब्लेसिंग, अपनी छुटकारे की। खुद रुकावट हो, शैतान नहीं रुकावट आपके लिए। आपका शरीर, आपके पाप, कमियां खुद एक रुकावट है आपकी अपनी ब्लेसिंग के लिए। करो तो प्रेयर, देखो क्या होता है। स्वर्ग खुलता है कि ऐसे हिलता है कि क्या होता है, देखो तो सही करके।